उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनका जो कुनबा साथ नजर आ रहा था, अब उसमें फूट पड़ने की खबरें भी मीडिया के सामने आने लगी हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रतीक और अपर्णा अखिलेश और डिंपल यादव के साथ नजर आए थे, लेकिन अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। जो अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के परिवार के साथ छाया बनकर नजर आई थी, वो अपर्णा यादव अब बागी बनकर मैनपुरी के रण में उतरेंगी या नहीं, ये देखना यूपी की सियासत में बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव को मैनपुरी लोकसभा से टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के दरबार तक अपर्णा यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा इस सूची में कई और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के नाम भी हैं, लेकिन अपर्णा यादव का नाम सबसे खास इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव के परिवार को अपर्णा यादव के परिवार से सीधी चुनौती मिलेगी। हालांकि ये बात अभी पुष्ट नहीं है कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी की ओर से जो संभावनाएं मीडिया के सामने उजागर की जा रही हैं उसे लेकर कई सवाल हैं, कई बड़े सवाल कि मुलायम सिंह यादव का कुनबा क्या उनके जाने के एक महीने के भीतर ही एक दूसरे धड़े में बटा नजर आएगा। जिस मैनपुरी की लोकसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी दावेदारी की परोक्ष पेशकश कर दी है, जिस मैनपुरी की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कमल खिलाने का ऐलान किया है, जिस मैनपुरी की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव उम्मीदवारों के चयन के लिए सैफई के मुलायम आवास पर बैठक कर रहे हैं, उस मैनपुरी की लोकसभा सीट पर अगर मुलायम परिवार के तीन चेहरे एक दूसरे के सामने हुए तो ये मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। सियासी संभावनाओं की बात करें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के तेज प्रताप यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी की ओर से अपर्णा यादव के नाम पर विचार हो रहा है। तीसरा चेहरा शिवपाल सिंह यादव का है जो खुद को मुलायम सिंह यादव का हनुमान बताते रहे हैं। ये तीनों चेहरे मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, लेकिन अगर ये तीनों चेहरे एक दूसरे के सामने हुए और चुनावी मैदान में जनता को इनके लिए वोट डालना पड़ा तो ये बड़ी मुसीबत की बात होगी कि मुलायम परिवार का असली वारिस किसको चुना जाए। अपर्णा यादव बीते दिनों लखनऊ से भी चुनावी दावेदारी की बात कह चुकी हैं। अपर्णा यादव लंबे वक्त से बीजेपी के साथ हैं। अपर्णा यादव एक लंबे वक्त से ये कहती रही हैं कि उन्हें मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन चुनाव किसी नेता के नहीं जनता के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। अगर बीजेपी उन्हें उतारती है तो ये बात देखनी होगी कि क्या अपर्णा को जनता का आशीर्वाद मिलता है, वो भी उस इलाके में जिसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है और जहां से अखिलेश यादव खुद भी विधायक रहे हैं। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को लेकर तमाम संभावनाओं की बात चल रही है। 10 नवंबर से इस सीट पर नामांकन शुरू होना है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी फिलहाल किसी दल ने नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं ये बात तो स्पष्ट है कि सीट पर मुलायम कुनबे का भविष्य तय हो जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।